धारावी टीकाकरण केंद्र से यह सूचित किया जाता है, उम्र 45 के ऊपर पहले आने वाले 90 लोग, जिनमें हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, आम नागरिक और सनदा माताओं को बिना अपॉइंटमेंट कोविशील्ड का पहला डोज दिया जाएगा। एरिया के अंदर अभी तक किसी ऐसा लगा नहीं कि कोई कोरोना में है, सब सुस्त दुरुस्त माशाल्लाह से सब अच्छे। इन सब बहुत अच्छा सुविधा किया, बीएमसी वाले को मैं बहुत धन्यवाद बोलने को चाहता हूँ। हमको डर लगता था जरा, अभी गया है तो वापस आता है कि नहीं आता है, लेकिन अच्छे तरीके हम शुक्र घर पे आए हैं। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। ये कहावत धारावी को खूब लागू होती है, क्योंकि हमेशा से गलत चीज़ों के लिए दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है धारावी। फिर चाहे वो झोपड़पट्टी हो या यहाँ का अपराध, चाहे यहाँ की गरीबी हो या यहाँ की गंदगी, लेकिन जब पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी के चपेट में थी, तब धारावी ने अपने जख्मों को सबसे तेज़ और सबसे जल्दी भर दिया है। जी हाँ, महज एक महीने के अंदर हज़ारों की संख्या में जो कोरोना का आंकड़ा था, वो अब करीब करीब ना के बराबर आ चुका है। ये कैसे हुआ, धारावी मॉडल क्या है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे काम किया आपने यहाँ पर, कैसे कोरोना को रोका? हम लोग देखे गए कि धारावी की अभी आबादी अराउंड 7.5 लाख है, तो इतनी बड़ी लोक संख्या में और हर भारत के हर राज्य से यहाँ पे पॉपुलेशन आती है, हर भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये सारे लोगों तक ये बीमारी के बारे में जानकारी पहुँचाना, और जब कोविड जब बीमारी आई थी तो सबसे पहले गाइडलाइंस ये थी गवर्नमेंट की कि लॉकडाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो बोलते हैं कि एक से दूसरे को इन्फेक्शन रोकने के लिए जो ज़रूरी है लॉकडाउन करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ। जैसे आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है और हमारा बीएमसी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो ये सबको एक रोल अदा किया गया था कि जब कोई केस आता है, बिल्डिंग में आता है, झोपड़पट्टी में आता है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो एरिया को कंटेन करना, मतलब वहाँ के वो एरिया के एंट्री एग्जिट को ब्लॉक करना, और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं तो उनमें किसी को कुछ लक्षण है तो उनका टेस्टिंग करवाना है, जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करना है, और उनका टेस्टिंग करा के जो पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में, और वहाँ पे अगर हम लोग एंट्री एग्जिट ब्लॉक कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों का खाने पीने का इंतज़ाम है, कुछ लोग बीमार रहते हैं उनको मेडिसिन का इंतज़ाम, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। धारावी का एक मॉडल था कि वो टाइम पे धारावी के ये प्राइवेट अराउंड 100-200 क्लिनिक खुले थे, मतलब लोग यहाँ पे बीएमसी छोड़ के ये प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते थे कुछ लक्षण रहेंगे, और ये डॉक्टर्स को और हमारा बीएमसी प्रशासन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, तो वो ग्रुप में जैसे कोई पेशेंट आता है प्राइवेट डॉक्टर के पास तो वो लोग वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप में डालते थे, तो हमारी जो टेस्टिंग की टीम रहती थी वो पेशेंट के घर पे जाके उसका टेस्टिंग करवाते थे, अगर वही पॉजिटिव आता है तो उसको इमीडिएटली हम लोग आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट करते थे। तो ये जो धारावी मॉडल के 4 T's जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये जो 4 T's हम लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और अवेयरनेस के थ्रू लोगों में पहले बहुत डर था कि आइसोलेशन सेंटर कैसा रहेगा गवर्नमेंट का, उधर खाना नहीं मिलता है, मर जाते हैं लोग, तो ये बारे में जैसे जैसे हम लोगों ने अवेयरनेस वो भी करना चालू किया कि आपको यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी में रहने की है, खाना पीना 4 टाइम का मिलता है, नाश्ता वगैरह, वो सब जब लोगों को अनुभव होता गया कि नहीं बीएमसी बराबर से काम कर रही है, हमको फैसिलिटी दे रही है, तो वो थोड़ा 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 जो विरोध था लोगों का कि आइसोलेशन सेंटर में आने का, वो थोड़ा कम हो गया। दूषित पानी की वजह से फैलने वाली बीमारी जैसे गैस्ट्रो है, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, हवा से फैलने वाली बीमारी जैसे स्वाइन फ्लू है, टीबी यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसे इन्फेक्शंस को ऑलरेडी यहाँ की कम्युनिटी एक्सपोज हो रही है, यहाँ पे आप बच्चे भी देख रहे हैं अभी, मतलब कैसे खेल रहे हैं वगैरह से, तो ये इम्यूनिटी हुई है कम्युनिटी में, तो ऑफकोर्स इसका भी मतलब फ़ायदा हुआ है। हमारी हेल्पर्स के द्वारा जो एक व्हीकल माइकिंग जहाँ पे जन जागृति, मतलब यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला कि देश के हर भाग से लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो हम लोगों ने वो लोगों के भाषा में हम लोगों ने अवेयरनेस चालू किया था, जैसे तेलुगु है, तमिल है, हिंदी, उर्दू, मराठी, ऐसे हर भाषा में,
तो उनको लोगों को भी एक अपनापन लगता है कि अपनी भाषा में यहाँ पे अगर धारावी में मुंबई में ही थे लेकिन अपनी भाषा में यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं तो हमको प्रशासन के साथ जाना है, ये विचारधारा ऐसे लोगों की बदली है। धारावी में अपने जी नॉर्थ में 5 हेल्प पोस्ट है, हेल्प पोस्ट मतलब आरोग्य केंद्र जिसको हम बोलते हैं, वैसे ये नागरी आरोग्य केंद्र है। यहाँ पे हमारे 11 स्टाफ है और हर एक स्टाफ के अंडर 3 CHVs है जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बोलते हैं, वैसे हमारे 21 CHVs है। कोविड में हमें डेली लाइन लिस्ट आता है पॉजिटिव पेशेंट्स का, जैसे लाइन लिस्ट हमारे वार्ड से, तो जैसे ही लाइन लिस्ट आता है हमारे उसमें कौन से केस है वो हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको पहले फ़ोन करते हैं पेशेंट्स को और जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन पहले लेते हैं, फिर उनके घर पे हमारी टीम विजिट करती है, सिस्टर्स और CHVs वार्ड बॉयज। पहले जिनोर की तरफ से जो धारावी के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जो ओपन किया तभी रिस्पॉन्स उनका कम था, तब जो पहले 100 का टारगेट था मिनिमम 25, 35, 40 इतना होता था। जब भी हमको ये पता चला कि धारावी के लोग नहीं मान रहे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हमने पूरा स्टाफ डोर टू डोर जाके जो बेनिफिशरीज एलिजिबल कैटेगरी में बैठते हैं उनको पूरा उनका नाम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर किया। फिर उनको इधर से कॉल जाता था कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप वैक्सीनेशन के लिए आ जाओ, तो फिर लोग आने लगे। तो हमारा अभी टारगेट जो ऐसा है कि थोड़ा सा 100/100 हो रहा है। BMC वाले हर वक्त चेकअप से आ रहे थे, डॉक्टर आ रहा था, सब आ रहे थे हमारे यहाँ पर, तो चेकअप हो रहा था, घर घरों में चेकअप हो रहा था, किसी को सर्दी बुखार है तो दवाई दिए जा रही। हमको बहुत डर लगता था लेकिन इधर BMC वाला आता है जाता, चेकअप करता है, लेके गया जाता है, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ इधर ही होता है ना चेकिंग वगैरह, बहुत होता है इधर, आता है डॉक्टर लोग, आता है इधर चेकिंग करते हैं, वो चेकिंग करता है, वो क्या वो इधर लगा के हाथ में लगाता है, हाँ करके जाता है इधर हम लोग का। जब कोरोना भी हुआ था पॉजिटिव इधर धारावी में, तो उनका हॉस्पिटल का उनका जो भी है वो जाके लोग ट्रीटमेंट करके वापस ला के छोड़े, 14 दिन के बाद। और वो खाने का तकलीफ था, सब आके दे दिया खाने का, लेकिन सब बहुत अच्छा सुविधा किया, वैक्सीन लगा रहे हैं, बहुत जोर से चालू है कार्यक्रम उधर का, और पब्लिक का भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है, पब्लिक भी लाइन लगा के गर्दी कर रही है, इसलिए क्या है कम हो रहा है। एंड वी बीन एबल टू रीच टू 100 सच ट्रस्ट, एंड सब जहाँ जहाँ पे हम गए हैं भले वो मंडल हो ट्रस्ट हो, उन्होंने हमें सहायता दी है, उनके साथ में बैठ के हमने मेडिकल कैंप्स लिए हैं लोगों के बीच में, सो एवरीवन हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बिकम अ पीपल मूवमेंट, और हम उसको उसका बेनिफिट सब लोगों तक पहुंचने में, अवेयरनेस पहुंचने में उसका यूज कर सकेंगे। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.